वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। म्यूजिक के बगैर हमारा शो थोड़ा स्लो हो जाता है और स्लो स्लो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे इसको। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, बड़ी जबरदस्ती सिंगर हैं आयमा इकरा बुखारी, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू शो आयमा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो, और बहुत अच्छी हूँ, मजे में हूँ। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयमा मुझे ये बताएं कि आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? मैं आजकल अपने नए सॉन्ग्स पे वर्क कर रही हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो जल्द ही आपको सुनने को मिलेंगे और देखने को भी मिलेंगे। किस तरह के है? वीडियोस भी साथ कर रही हैं? वीडियोस भी साथ कर रही हूँ। अरे लवली लवली। तो आयमा आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी आप साथ साथ ले रही हैं किसी से या आपने? मैंने ट्रेनिंग एज सच मैं नहीं कह सकती हूँ, बट जितना भी सीखा है जितना भी आता है वो मैंने अपने फादर से ही सीखा है। अच्छा लवली। तो हाँ बस जबरदस्त। तो आयमा आज आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? आज मैं पहले तो नुसरत साहब को जो ट्रिब्यूट दिया हुआ नित खैर मंगा का, जिसकी वीडियो भी मैंने की थी, तो वो फर्स्ट पे मैं वो करूँगी। जरूर चले हम आपसे। जबरदस्त जबरदस्त आयमा। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप क्लासिकल की तरफ ज्यादा है, जैज की तरफ है, कुछ किस तरह का ज्यादा जॉनर क्या? मुझे लगता है कि आपको वर्सेटाइल होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप के लिसनर्स होते हैं जो आपको सुन रहे होते हैं, और हर तरह का अगर आप नहीं गा सकते तो वो फिर आप एक ही स्टाइल में होके रह जाते हो। हाँ, और फिर वो आपका वो बन जाता है, लोग एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि आपको पता है कि लोग सुनना चाहते हैं आपसे डिफरेंट काइंड के सॉन्ग्स, तो आपको आना चाहिए। अच्छा, कितना टाइम हुआ इस ट्रिब्यूट को आपने जब? ये मैंने लास्ट ईयर किया था। कैसा रिस्पॉन्स आया था इसका? बहुत जबरदस्त जबरदस्त आया था। अच्छा आयमा, ऑन एंड ऑफ क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सिंगर्स हैं, नए सिंगर्स हैं, कुछ आवाज़ माशाल्लाह की बहुत अच्छी है, लेकिन डिफरेंट अंदाज होना और अपनी जो अपनी आवाज़ को एक कह लें ना, उसका एक अरोमा है एक या फील है, उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है बगैर रियाज के। कैसे करती हैं? रियाज करती हैं? रियाज करती हूं, रियाज करती हैं रियाज के बगैर तो कुछ। और ट्रेनिंग के बगैर? ट्रेनिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने जितने हमारे पुराने सिंगर्स हैं, लेजेंडरी सिंगर्स आप देख लें,
मैडम हैं और इंडियन सिंगर्स भी आप लता जी हैं, जितने भी आप पुराने सिंगर्स उठा लें वो हम इंस्टीट्यूट हैं खुद ही, अगर आप उनको भी सुनते हैं उनसे सीखते हैं तो आप करते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग भी जरूरी है। मैंने अपने फादर से जितना मुझे आता है मैंने उन्हीं से सीखा। फादर प्रोफेशनल एक सिंगर हैं? प्रोफेशनल उनका बैकग्राउंड प्रोफेशनली सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, सारे मेडिकल से। अच्छा, ये भी एक डिफरेंट बच्चा है। एंड आई वाज आल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट। तो लेकिन मुझे शौक था, मेरा पैशन था सिंगिंग, तो फादर ने सपोर्ट किया। बिल्कुल, फादर की सपोर्ट से ही मैं यहाँ पे हूँ। लवली लवली, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स कि आपको फैमिली की सपोर्ट। उनका एक ड्रीम था कि मुझे एक सुपरस्टार बनना है और वो मुझे उस लेवल पे देखना चाहते हैं। तो अच्छा, आगे जो आपकी आप बता रही हैं वीडियोज उस पे काम करनी है, क्या वो भी कवर्स हैं या आपके अपने? नहीं नहीं, मेरे अपने हैं, सिर्फ ये मैंने कवर किया। ठीक है। पहला जो मेरा था रोग ही जर्दा, वो भी मेरा अपना था। सही। उसके बाद सेकंड मैंने ये किया, ट्रिब्यूट दिया। थर्ड आया वो ड्यूट था विद रैप, गैलेक्सी के नेम से आप सुन सकते हैं उसको, बट वो मेल के साथ में है तो मैं यहाँ कर नहीं सकती उसको। उसका भी वीडियो के साथ में आ चुका है और उसका बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स गया है। अब चौथा जो मैं कर रही हूँ वो भी रैप के साथ है और वो बड़ा हिप हॉप टाइप का, आपको मजा आएगा सुन के। अच्छा अमर, चूंकि अभी हम कंपटीशन और इसकी बात कर रहे थे, आप कुछ बहुत सारे आपके फेवरेट लोग भी होते हैं जब आप फील्ड में आते हैं, किसी को आइडियलाइज करते हैं, कोई आपकी फेवरेट या जिसको देखकर आपने सोचा कि मैंने भी सिंगिंग करनी है? पहले तो मैं छोटे होते हुए बचपन से हदीका क्यानी को मैं देखती थी, तो उनका होता था कि वो एक अच्छी पॉप सिंगर है हमारी। लेकिन वैसे मैंने पाकिस्तान में मैंने पुराने सिंगर्स को ही सुनना पसंद किया। अच्छा। और इंडियन में भी ऐसे ही, तो ऐसे मैं मैडम को, माला जी को और मैडम नूरजहां जी, मतलब इन सारे पुराने लोगों को मैंने सुना है। नई आपको अच्छा नई लॉट में कोई लगता है कोई सिंगर जो इस तरह से बहुत हो? एक्चुअली उनके साथ तो कंपैरिजन है नहीं। आपको मैं यही कहूंगी कि पुराने गाने हम जितने भी सुनते हैं वो एवर ग्रीन होते हैं, नो डाउट। तो आपको भी याद होंगे और मुझे भी याद ही है, तो आजकल के जो सॉन्ग्स हैं वो ज्यादा देर तक याद नहीं याद नहीं रहते, इसी से ही हम ठीक हो गया। अच्छा जनाब, आयमा हमारे साथ मौजूद है लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त कम है, और हम जरा आयमा को मैसेज देना चाहें, उसके बाद हम आपसे गाना भी सुनेंगे। और मैसेज ये देना चाहूंगी, न्यू ईयर लग चुका है हमारा, खैर मैं एक हफ्ते के बाद लेकिन अभी भी न्यू ईयर की फील में आ रहा है। हाँ, तो बस यही कहूंगी कि हर्ट किसी को ना करें, खुशियां फैलाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमारी वजह से कोई हर्ट ना हो, अगर हम जितनी खुशी फैला सकते हैं उतना कोशिश कर। अच्छा जनाब, आयमा तो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे आखिर में गाना भी सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा पेज है जागो लाहौर का फेसबुक पर, और इसके साथ साथ अगर आज का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे और 1 बजे रिपीट भी होगा रात में, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल है लाहौर न्यूज़ का भी और जागो लाहौर का भी, दोनों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे एपिसोड देख सकते हैं। हमारी तरफ से कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आयमा, और ये मैं आपको बताना चाहूंगी, ये भी मेरा अपना ही गाना है, तो मैं आपके चैनल पे इसको करने लगी हूँ अभी, इसका वीडियो जो है उस पे काम हो रहा है। लवली, जबरदस्त जबरदस्त, ऑडियो मैं आपके ही चैनल पे करने लगी। डन हो गया, आयमा इस तरफ आ जाएं आप और हम आपसे गाना सुनते हैं।
ऐसा हुआ ये जादू है एवरीवेयर।